अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लैरिकल का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है और उसकी फॉर्म भरने की डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है और उसमें वन टॉपिक दैट इज़ वेरी असेंशियल इज वो क्या आएगा दैट इज़ बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से उसे जाना जाता है सिमिलरली अभी एस का पी का एग्जाम वो भी आने वाला है और इसी के लिए हमने एक सीरीज शुरू की थी बैंकिंग अवेयरनेस की जो कि कोविड की वजह से थोड़ी सी रिकवर रही है उसमें आगे उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि रेगुलरली इन वीडियोज़ को आपके साथ शेयर किया जाए ये भी बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल एग्जाम के लिए हमने एक स्पेशल बैच शुरू किया है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन दैट पर्टिकुलर बैच अगर आप बहुत सीरियस हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं तो डू जॉइन दैट पर्टिकुलर बैच क्योंकि उसमें आपकी प्रॉपर जो तैयारी है एस के पैटर्न के हिसाब से एस के सिलेबस के हिसाब से उस पर्टिकुलर बैच में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन दी जाएगी एंड इफ यू टू दैट पर्टिकुलर बैच द आर गिवन बैचर आप उस पर कॉल कर सकते हैं उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा आपको वट इज रिक्वायर्ड जो है पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज फाइनेंशियल अवेयरनेस और उसी की जो वीडियो है मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं उसमें पहले दो वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हैं अब इस वीडियो में जो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस किस तरह के एम आएंगे एक टॉपिक है दैट इज डी सिप उसमें किस तरह के एम आएंगे और उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या होनी चाहिए आपके पास व्हाट इज मेंट बाई डी सिप एक बात तो ये आती है कि डी सिप का मतलब क्या है तो कहने को तो बहुत सिंपल है इट मीन्स टू बिग टू फेल पर ये टू बिग टू फेल क्या चीज़ है इस चीज़ को समझने की कोशिश भी करेंगे पर पहले हम देखते हैं कि कौन से एम एग्जाम में आने वाले हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनकी कॉन्सेप्टअल क्लैरिटी होनी चाहिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ऑल दो एस बी आई क्लरिकल में देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इंटरव्यू बट अगर आप एस बी आई पी ओ की तैयारी भी अभी से शुरू कर देंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो उसमें इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि डी सिम क्या है तो आप जल्दी से तीन नाम बता देंगे दीज आर द थ्री ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डी सिप में इंक्लूड की जाती हैं आप अगर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बता सकें देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि मैं हमेशा एक बात को एम्फेसाइज करता हूँ इंटरव्यू में इट यू कैन लीड द इंटरव्यू इफ यू कैन लीड द इंटरव्यू आई कैन गारंटी यू इट इज अ श्योर शॉट सक्सेस बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव बिन एबल टू मेनोवर द इंटरव्यू इन योर डायरेक्शन पर पहले देखते हैं हमारे एम क्या है उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं लेटस सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी से तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए ये वैसे आप कर चुके हैं पहले डी सेफ की फुल फॉर्म क्या है डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है यहां पे क्या है सिस्टेमेटिकली और यहां पे क्या है सिस्टेमिकली अब ये सिस्टेमिकली क्या होता है और सिस्टमैटिकली क्या होता है दोनों में क्या डिफरेंस है वी विल डू इट लेटर बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आंसर क्या होगा सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक होगा आपका सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु डिसाइड्स विच बैंक शुड बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डी कौन डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है या आर बी आई डिसाइड करता है या आरबीआईन विदर्ल्ड बैंक ठीक है सो इसका आंसर क्या होगा आपका इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच डिस इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डी से फॉलोइंग बैंक इज नॉट ए डी से आपके पास चार ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक आई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक है तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक इज नॉट ए डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक दीज आर द थ्री बैंक्स विच आर डिस्क्राइब एज डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग बैंक आर इंक्लूडेड इन द डी कैटेगरी फिर चार ऑप्शन है आपके पास और उसमें से आपको आंसर देना है आंसर एबीसी है कि बीसीडी है एसीडी है या एबीडी है तो जैसा हमने पहले देखा तो आम आंसर आपका क्या होगा आंसर आपका होगा होगा एसीडी दैट मींस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा डीसी के बारे में दीस आर गोइंग टू बी द क्वेश्चंस इन बैंकिंग अगर आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स की एक क्लैरिटी चाहिए देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टू द एंड तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ये टर्म जो है टू बिग टू फेल क्लोजली एसोसिएटेड विद द डी सिप ठीक है टू बिग टू फेल तो हम देखते हैं अब ये जो डी सिप की कैटेगरी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जो तैयार की थी 2014 में तैयार की थी 2014 में और 2015 में पहली बार उन्होंने डिक्लेयर किया दो बैंकों को

ट इज़ एस बी आई आई सी आई सी बैंक एंड एच डी एफ सी बैंक्स और इसी स्टेटस को दो हजार बीस में उन्होंने रीन्यू भी कर दिया है अब देखते हैं डोमेस्टिक ये बैंक्स जो हैं वाई वी कॉल देम टू बिग टू फेल एंड वाई वी कॉल देम डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक ऑल्सो बिकॉज अगर इनकी वाइबिलिटी को कोई नुकसान होता है इंडियन इकोनोमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको जो है ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या क्या चीज है आपको दो साल पहले की बात याद है एक पीएमसी बैंक ऑफ मुंबई में फेल हुआ था पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एक छोटा सा बैंक था बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस दिन ये बैंक फेल हुआ पीएमसी के डिपॉजिटर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जिनके घर शादी थी जिन्होंने कोई अपना लोन रीपे करना था जिन्होंने कोई सामान खरीदना था जिन्होंने कोई शिफ्ट होना था या कोई इम्पोर्टेंट एडमिशन करवानी थी उन्होंने उन लोगों का क्या हाल होगा जब उन्हें पता लगे कि हमारे जितने पैसे बैंक में पड़े हैं नाउ वी कैन नॉट विदड्रॉ एनी मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैंक ठीक है दिस वॉज ए स्मॉल बैंक एंड केस दिस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और विद आई सी आई सी बैंक और एच डी एफ सी बैंक यू कैन वेल इमेजिन तो फिर देश की इकोनॉमी का और उसका क्या असर होल दो ऑल बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड के दीज थ्री बैंक्स आर वन दो बेलर बैंक्स हैं जिनके ऊपर कोई आँच भी आ जाए देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द होल इकोनमी ऑफ द कंट्रीसो दैट इज वाई दीज बैंक्स आर कैटेगराइज एज डी से बैंक ठीक है अब ये कॉन्सेप्ट आया क्यों कहा से आया पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था कि नहीं था ठीक है ना यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था डी सिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस क्राइसिस में मुझे याद है इट वाज सितंबर 15 2008 और 15 सितंबर 2008 को यूएसए का एक बहुत पुराना बैंक जो 1834 या 54 का बना हुआ था चल रहा था जब बैंक फेल हो जाएंगे और बैंक पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा तो बहुत सारी फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी देर बी लॉट ऑफ बैंक ऑल्सो एंड बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा इकोनोमी में भी कॉन्फिडेंस जो है वो भी खत्म हो जाएगा बिकॉज दे आर कॉल्ड इंजन ऑफ इकोनॉमी, दे आर कॉल्ड इंजन ऑफ इकोनॉमी। और अगर इंजन ही रुक अगर इंजन ही रुक जाएगा अगर इंजन रुक जाएगा तो इकोनॉमी जो है वो भी वहीं पे रुक जाए, इकोनॉमी जो है वो भी वहीं पे रुक जाएगी और वो उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा सो दैट इज वाई अब ये देखना है हमें अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये व्हाट इज टू बिग टू फ या ये से क्या चीज़ है आपका जो बहुत स्टीक सा सीधा सा जवाब होना चाहिए कि ये बैंक वो बैंक हैं जिनका जिनके ऊपर अगर कोई आंच आ जाए तो उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा इसीलिए इन बैंकों को एक स्पेशल कैटेगराइज किया गया है टू बिग टू So today we have learned what is DCP, its MCQs, its concept. That is what we have learned today.